पवन सिंह का एक पोस्टर आया जिसमें 50 डेज सेलिब्रेटिंग लिखा हुआ है, और ये जो पोस्टर ये सूर्यवंशम फिल्म का है, और इस फिल्म का जो पीछे जो राज है, इस पोस्टर के पीछे राज है, जब आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जब इस पोस्टर को शेयर किया गया तो वहाँ साफ अक्षरों में वहाँ पे लिखा गया कि 5 साल में पहली बार, 5 साल के अंतराल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भोजपुरी फिल्म जो है वो 50 दिन चला है। वैसे आप लोग को बता दें कि भोजपुरी फिल्म के जो जन्मदाता है वो मनोज तिवारी को माना जाता था। क्यों माना जाता था मनोज तिवारी को? क्योंकि भोजपुरी फिल्में तो पहले भी बनती थी, लेकिन मनोज तिवारी की फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था ससुरा बड़ा पैसा वाला, और उस फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा कमाई करी थी, लगभग 30 करोड़ से भी ज़्यादा जो है फिल्म ने कमाई करी थी। उसके बाद जो है एक बहुत ही बड़ा हिट हुआ और मार्केट खुल गया। उसके बाद मनोज तिवारी को भोजपुरी फिल्म का जन्मदाता कहा जाने लगा। उसी प्रकार से लॉकडाउन के बाद जो है भोजपुरी फिल्म का मार्केट जो है वो बंद हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था। फिल्म का मार्केट आप लोग देख रहे होंगे, बड़ा बड़ा फिल्म आता था लेकिन नहीं चलता था, और फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज किया जाता था, यूट्यूब में रिलीज किया जाता था। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मनोज तिवारी ने ससुरा बड़ा पैसा वाला से मार्केट खोला था, उसी प्रकार से पवन सिंह की जो फिल्म है सूर्यवंशम, इस फिल्म से जो है वो मार्केट खुल गया, भोजपुरी फिल्म का मार्केट खुल गया, क्योंकि 50 दिन चला फिल्म, 50 दिन चला थिएटर में, और पवन सिंह ने दिखा दिया कि पवन सिंह जो है वो असली बॉस हैं, क्योंकि इस फिल्म में काफी ज्यादा एक्शन था और गजब का लहर जो है वो पवन सिंह का चला। पवन सिंह और आस्था सिंह दिखे थे, और फिल्म जो है लगभग 2.5 करोड़ की बजट में बनी, और फिल्म ने लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए, और बहुत ही ज्यादा फिल्म हिट हुआ। कुछ लोगों का अनुमान करना है कि फिल्म ने 12 करोड़ रुपए तक कमाए हैं, लेकिन एक्चुअल कमाई अभी तक जो है रिलीज नहीं किया गया, बहुत जल्द बताया जाएगा, लेकिन एक जो अनुमानित इनकम है वो 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिस फिल्म में पवन सिंह दिखे, आस्था सिंह दिखे, जिस फिल्म का नाम सूर्यवंशम रखा गया था, निशांत उज्जवल निर्माता थे, रजनीश मिश्रा जो है वो लेखक व निर्देशक थे, और आप लोगों को बताया कि रजनीश मिश्रा कितना प्यारा फिल्म बनाते हैं, और उसी प्रकार से पवन सिंह ने उस स्टोरी में जान डाल दिया, और आप लोग नए दौर में पवन सिंह को भोजपुरी फिल्म का जन्मदाता कह सकते हैं, क्योंकि जहां बड़ी बड़ी फिल्म जो फिल्म लंदन में शूट रही है हो रही है, विदेश में शूट हो रही है, उस फिल्म को यूट्यूब में रिलीज करना पड़ जा रहा है, फेसबुक में रिलीज करना पड़ जा रहा है, थिएटर नहीं मिल रहा है, लेकिन वहीं पवन सिंह ने मार्केट आकर के भोजपुरी फिल्म का जो है वो ओपन कर दिया। वैसे पवन सिंह की इस अपार सफलता के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो को लेकर के।